बस्तर द नक्सल स्टोरी देखेगा, मुझे नक्सल स्टोरी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर एक ऐसी फिल्म रहेगी जो मुझे नक्सलवादी लोगों के बारे में बताएगी, नक्सलवादी लोगों के बारे में एजुकेट करेगी। बट मेरा जो एक्सपेक्टेशंस था उसके ऊपर खरी फिल्म उतरी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे इन्फॉर्मेशन कम मिली है, या फिर ऑफकोर्स क्योंकि हमने वीरप्पन जैसी फिल्मों में देखा है कि नक्सलवादी लोग, या फिर अभी रिसेंटली मैंने दमन करके नाम की फिल्म देखी थी जिसमें कम नक्सलवादी लोगों के बारे में बताया गया था। जैसे कि फिल्म में आंकड़ा बताया जा रहा है 15,000 सोल्जर्स को उन्होंने मारा, मोर देन जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने अब तक 8,600 लोगों को मारा है, बट नक्सलवादी लोगों ने 15,000 लोगों को मारा है। तो ये जो नक्सलवाद है दीमक की तरह अपने ही देश को खाए जा रहा है, तो इनके ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी था। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कम पड़ गई है, कहीं ना कहीं वो बताने का जरिया कम पड़ गया है, कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले हार्ड हिटिंग डायलॉग्स वो कम पड़ गए, स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी कम पड़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए था। सुदीप्त सर ने बेस्ट किया है, बट ऑफकोर्स स्क्रीन प्ले थोड़ा सा ड्राई है, स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी ड्राई है, हार्ड हिटिंग डायलॉग्स इतने खासे नहीं है जो होने चाहिए थे। सो मुझे लगता है कि यही सारी जो है वो मेरा एक्सपीरियंस था। अदा की अदा देखिएगा, अदा की अदा सबसे सबसे जुदा जो करती है सब लोगों को फिदा। अदा की अदा ने अच्छा खासा काम किया है, बट उन्होंने स्पेशली उनकी दाद देना चाहूँगा उनका एक्सेंट स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से वो यूनिफॉर्म में ढाला, इन सारी चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। बट वही अगर जहाँ पे स्क्रीन प्ले या फिर डायलॉग बाजी ना हो वो रोल भी फीका फाका सा लग जाता है। सो वही यहाँ पे भी हुआ है, आदा शर्मा ने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है बट उतना बेस्ट नहीं आया है मुझे ऐसा लगता है, तो जो होना चाहिए था। तो मुझे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की कमी पड़ी। और देखिएगा अगर टेक्निकल चीज़ों के बारे में देखा जाए, सुदीप तो सर ने अच्छा खासा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, बट ऑफकोर्स स्क्रिप्टिंग में, स्क्रीन प्ले में, एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा कम पड़ गए हैं। इनको साइड में रखते हुए बीजीएम की दाद देना चाहूँगा, बीजीएम अच्छा खासा है फिल्म का, इतने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स नहीं, बट जब अपना वो सोल्जर्स को मारा जाता है तो मुझे वो जो गाना बजता है ना जावेद अली के आवाज़ में, वो इतना मतलब आपको इमोशनल कर देता, पूरा थिएटर साइलेंट था, इतना अच्छा वो गाना था। और अगर दाद देना चाहूँगा, सुधीर तो सर ने अपना ही प्रेजेंटेशन अच्छा देने की कोशिश की है, बट स्क्रीन प्ले वगैरह थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, और ओपनली होना चाहिए था लोगों को बताने के लिए। जिस तरीके से मेरे को नक्सलवाद के बारे में पता नहीं है, माओवाद के बारे में पता नहीं है, उन सारी चीज़ों को उनकी उनका बैक स्टोरी क्या है, उनकी डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी जो मुझे समझ में आए। तो ऐसा सारी चीज़ें होना चाहिए था जो मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको पता भी नहीं है माओवाद के बारे में, नक्सलवाद के बारे में, शायद ये उनके लिए एजुकेशनल पर्पस फिल्म हो सकती थी। चलिए एंड में रेटिंग क्या होगी पानी? रेटिंग सर मैं देना चाहूंगा 2.5। थैंक यू। पहली बात हम ये कहेंगे कि ये मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनी ही नहीं है, ही नहीं एंटरटेनमेंट है ही नहीं मूवी में, क्योंकि एंटरटेनमेंट में नाच होता है, गाना होता है, हीरो होता है, विलन होता है, आइटम नंबर होता है। ये मूवी बनी है देश के सिस्टम पे चोट है, नक्सलवाद की समस्या पे चोट है, और देश से नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, यही सबसे बड़ा मैसेज है। क्योंकि हमारे देश के जवान बाहरी दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के दुश्मनों से को भी लड़ना पड़ रहा है उनसे। ये मूवी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है और 100% ट्रू बेस्ड स्टोरी है। तो मैं ये कहूँगा कि सभी देशवासी ये मूवी देखें और फिल्म मेकर के प्रयास को सार्थक करें। हाँ, एक्टिंग की रहेगी बात तो आदा शर्मा, उन्होंने एक कुछ मूवी आई उनकी, केरला स्टोरी है, ये बस्तर है, तो उन्होंने दिखाया कि हीरोइनें सिर्फ आइटम नंबर के लिए नहीं होती, फिल्म में एक्ट्रेस का और भी कुछ काम होता है। तो ये एक बहुत बड़ी परिभाषा को चेंज किया है हीरोइनों को लेकर के। अक्सर करके फिल्म हीरोइनें होती हैं, उनसे कोई हीरो प्यार करता है, छोड़ देता है, उनका रोल उतना ही तक होता है, लेकिन इसमें आदा शर्मा का रोल काफ़ी हटकर उन्होंने एक हीरोइन की परिभाषा को चेंज किया। हीरोइन का मतलब अगर सही मामले में होता है वीरांगना,
हीरोइन का हिंदी शब्द था वीरांगना, उस शब्द को भली भांति परिभाषित किया है आदा शर्मा ने। रेटिंग क्या होगी पांच सर? पहली बात की सर, ये बियॉन्ड ऑफ रेटिंग है। कोई ये रेटिंग तब देते जब इससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है, इससे तो हमको मैसेज मिल रहा है, तो रेटिंग में से हम इसको 4.5 स्टार देंगे। क्योंकि थोड़ा टेक्निकल, अगर तकनीकी पक्ष की बात करें, कहीं कहीं ग्राफिक्स वगैरह की अगर बात करें, तो ठीक है, कहानी के हिसाब से सही है, लेकिन 4.5 स्टार। ओके, क्या हुआ? बस्टर कैसी लगी? मुझे लॉपसाइडेड लगा, बैलेंस नहीं था बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? मूवी के बारे में कहना चाहूँगा दैट यू नो आई मीन एज फार एज वॉट एवर दे हैव डन एंड वॉट एवर अट्रोसिटीज दे हैव कमिटेड, वो तो दिखाया गया प्रॉपरली, बट वॉट इज बिहाइंड द माइंड सेट फ्रॉम वेयर इन नक्सलाइट्स एक्चुअली स्टेम, वो ठीक से दिखाया नहीं गया। क्यों उन लोग ऐसे करते हैं, उन लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वाई, वो दिखाया नहीं गया। डू यू इवन नो वाई आई मीन हुज रोल, जो रायमा सेन का कैरेक्टर था, हुज रोल शी वॉज एक्चुअली पोर्ट्रेइंग इन द फिल्म, डू यू नो दैट? आपको पता है? हाँ, शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ अरुंधति रॉय एंड शी इज सपोज टू बी सपोर्टिंग दी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देर आर मेनी थिंग्स, मेनी लेयर्स टू दी स्टोरीज फॉर दैट मैटर, बट इसी तरह से आई मीन अगर तुम इस टॉपिक के ऊपर एक फिल्म बना रहे हो, द फिल्म शुड हैव बीन नॉट लॉपसाइडेड, इट शुड हैव शोन बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। चीज़ ओके, उनको एक रोल मिला, अच्छे से निभाई, शी इज़ ओके, शी इज़ गुड। आई मीन उनका मेकअप बहुत ज़्यादा मतलब दिख के आ रहा था, एज इन शी इज अ कॉप एंड शी डजंट केयर अबाउट पुटिंग पाउडर और मेकअप ऑन अ फेस और फ्रेकल्स दिख रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। सो हाँ, शी हैज़ डन अ गुड जॉब, ओके जॉब। मैंने केरला स्टोरी ऑनेस्टली देखी नहीं थी और तो मुझे पता नहीं वो क्यों चली थी, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स एंड अंडरलाइंग इमोशंस फॉर दैट मैटर, जो धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, वो चली होगी। आई डोंट नो, आई कैन नॉट, बोथ ऑफ द फिल्म्स बिलोंग टू टू डिफरेंट जॉन्स ऑल टुगेदर, टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑल टुगेदर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कॉमेंट वेदर, और उस फिल्म के साथ कोरिलेट करके कि अगर वो चली थी ये भी चलेगी, आई डोंट नो। लोगों को पता ही नहीं है वॉट इज नक्सलिज्म, नक्सलाइट, वॉट इज द थियोरी बिटवीन द वे दे बिहेव एंड दे एक्ट, नो वन नोज। डिड यू नो वॉट इज सलवा जुदुम? यू डिडंट नो। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग द फिल्म, स्पेशली मीडिया में लोगों को पता नहीं है, बिकॉज लोग जानते नहीं, आइडिया नहीं, पढ़ते ही नहीं है वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मेरे हिसाब से द फिल्म वॉज वेरी लॉपसाइडेड। 2/5 स्टार। थैंक यू।